रामभद्राचार्य के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। चंद्रशेखर आजाद कराएंगे रामभद्राचार्य पर केस। चमारों को नीच कहने पर जेल जाएंगे रामभद्राचार्य। जो रामभद्राचार्य भरे मन से चमारों को नीच कह रहे थे, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जल्द ही रामभद्राचार्य गिरफ्तार हो सकते हैं और उसे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। रामभद्राचार्य के विवादित बयानों पर लगाम लगाने के लिए खुद भीम आर्मी मैदान में कूद पड़ी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि आने वाले एक दो दिन में रामभद्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। अभी एक भद्राचार्य जी और है ना, अभी कल परसों में उन पर एफआईआर होगी ना, तो देखना कैसे सब ठीक हो जाएंगे। हमारा काम है, हम लीगली लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से, और ये लड़ाई चल रही है। ये एक संदेश है कि कल जो होने वाला है उससे आज समय तैयार हो जाओ उसके लिए, लड़ने के लिए। अगर जब सब खत्म हो जाए करोगे क्या? चंद्रशेखर आजाद अब राम भद्राचार्य के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने एमपी में दलितों की बारात में तमंचा लहराने वाले धीरेंद्र शास्त्री के भाई का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे धीरेंद्र शास्त्री को गुमान था कि उसके भाई को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके भाई को भी जेल जाना पड़ा और अब राम भद्राचार्य की बारी है। मैं विश्वास से कहता हूँ ये लड़ाई हम जीतेंगे। आपको धीरेंद्र शास्त्री याद है? वो भी बहुत ताकतवर है, कहते हैं कि उनको कोई झुका नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर उनके मित्र हैं। उनके भाई को भी हमने जेल भिजवा दिया था, अगर आपको याद। ये संविधान की ताकत है बॉस, जिस दिन ये इसका संविधान की लाठी चलती है ना, अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों राम भद्राचार्य ने खुलेआम भरे मन से कह दिया था कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है और चाम को भजने वाला चमार नीच होता है। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है, वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। राम भद्राचार्य के इसी बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कहीं राम भद्राचार्य के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं तो कहीं उसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। राम भद्राचार्य ने तुलसीदास की चौपाइयों की व्याख्या करते हुए चमारों पर विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उसने अपने बयान पर सफाई दी और चमारों को नीच कहने की बात से ही मुकर गए। समाचार एजेंसी एनआई को दिए बयान में वो कहते हैं, मेरा बयान जाति सूचक नहीं था। तुलसी भजन राम को चारों वर्ण चमार, चमार शब्द का चमड़े का प्रेमी। तुलसीदास जी कहते हैं जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार यानी चमड़े का प्रेमी है, राम का प्रेमी नहीं। चमार शब्द जाति सूचक नहीं है, चमार शब्द वहाँ है और उसका प्रयोग भी वहाँ नहीं हुआ, ये तो चरमकार का अपभ्रंश है। शब्दों की कारीगरी करने वाले राम भद्राचार्य को शायद लग रहा है कि वो अभी भी मनु के काल में जी रहे हैं और जैसा वो अपने मुंह से उगलेंगे उसी को हर कोई सच मान लेगा, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि अब संविधान का राज है जहां ब्राह्मणों और चमारों में कोई भेद नहीं किया जाता। अब अगर राम भद्राचार्य पर SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज होता है तो फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसा ना होने पर भीम आर्मी चीफ ने बड़े आंदोलन के संकेत दिए हैं। सारे इंस्टीट्यूशनों को ताकत देंगे और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जंग है ये हमारी। आपको यार नारा याद है ना सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो खून से नहीं, अब तो संघर्ष से आजादी मिलेगी और उसके लिए हम लोग तैयार। राम भद्राचार्य का असली नाम गिरधर है, जो यूपी के जौनपुर में पैदा हुआ था। 1950 में जन्मे राम भद्राचार्य का जन्म सरयू पारिन ब्राह्मण परिवार में हुआ और वो खुद को श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि चोबे पाठक त्रिगुणायन और दीक्षित ब्राह्मण नीच होते हैं। यूं तो संतों का काम समाज को सही रास्ता दिखाना होता है, लेकिन राम भद्राचार्य अक्सर समाज में नफरत फैलाने वाली बातें करते रहते हैं। वो कथा के दौरान प्रवचन कम और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को ज्यादा कोसते हैं। यदि यही रहा OBC SC ST तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे नेता लोग, उसको कोई बचा नहीं सकेगा। तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया कि एक दो दिन में राम भद्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। चमार जाति के बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो जगह जगह राम भद्राचार्य के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराएं। पुलिस को भी चाहिए कि इन वायरल वीडियो की जांच करे और राम भद्राचार्य के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार करे, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ संतों के नाम पर कलंक हैं बल्कि वो समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष भी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।